जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, ये लास्ट टाइम से मैं कंटिन्यू मार्केट को लेकर अपने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और कंटिन्यू 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 निफ्टी के ऊपर मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। निफ्टी में अगर आप लोग देखें, पिछले 2 से 3 वीक हो गए, जो कि एक पूरा अगर आप देखें कि 3 वीक से निफ्टी एक कंटिन्यू 10,140 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जो कि निफ्टी कंटिन्यू फोकस फेस कर रही है। और वहाँ से स्लिप होकर निफ्टी ने सिंगल डे में 9,700 9,800 का लेवल टच करा था वीकली बेसिस पे। इट्स अ वीकली चार्ट। एंड यहाँ पर काफ़ी पैनिक क्रिएशन है। एक छोटा सा स्ट्रांग सपोर्ट जो इसका बन रहा है 9,700 का, इसको कंटिन्यू सस्टेन कर रही है। अगेन 9,680 से क्लोजिंग 9,700 के ऊपर इसकी कंटिन्यू आ रही है। और काफ़ी 9,857 9,940 का लेवल इसने टेस्ट करा है। बट व्यू अभी भी मेरा इस पे, जब तक 10,140 क्रॉस नहीं होता, जो कि मैं पिछले कंटिन्यू टाइम से बोल रहा हूँ कि 10,140 अगर क्रॉस होता है, देन वी विल सी अ शार्प अप मूव, जो कि काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और अगर 9,700 के नीचे स्लीप हो जाती है निफ्टी, तो माइट बी क्रिएट पैनिक, जो कि मैं कंटिन्यू पिछले 2 से 3 वीक से बोलता रहा हूँ कि 9,700 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, जब तक मार्केट में फिलहाल कोई ऐसा वीकनेस नहीं दिखती है, लेकिन अगर 9,700 को ब्रेक करती है विथ वॉल्यूम, जो कि मुझे हाईली पॉसिबल लग रहा है कि इस वीक की जो क्लोजिंग है वो 9,700 के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एमएसीडी में डाइवर्जन बन चुका है, एमएसीडी डाइवर्जन ले चुका है, और ये कहाँ सस्टेन करेगा, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगर इसने सस्टेन नहीं करा और किसी कारण से अगर ये वीक हो जाता है यहाँ, तो ये फिर 9,700 का लेवल तोड़ देगा। आज से ओवर ऑलरेडी ओवर बुलिश जोन था। डायवर्जन आरएसए ने लिया है। अगर ये 9,700 तोड़ देता तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो सकता है। अगर आप लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं या मार्केट को लेकर स्ट्रांग है या किसी एकदम, तो जब तक 10,140 नहीं होता है, जब तक इसमें अपसाइड के कम चांसेस हैं। अभी जो वीकली एक कंसोलिडेट दिख रहा है मार्केट, वो मुझे पेनिक कर रहा है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्लिप हो सकता है 9,700 के नीचे अगर जाता है तो इसमें जो टारगेट आएंगे वो फिर आपको 9,140 9,000 के लेवल इजीली दिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ पैनिक होता है, इन केस यहाँ बाइंग नहीं आई या कुछ भी वट एवर, एक यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लेती है निफ्टी 9,140 9,000 के लेवल पे, तो डाउन साइड में फिर 8,800 का लेवल, जो कि काफ़ी पुराना है, 8,888 का, अगर आप लोगों को याद हो, वो जो ब्रेक करा था देन उसका एक अच्छी रैली आई थी, तो वो एक लेवल टेस्ट हो सकता है। बट फिलहाल 9,700 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ये तोड़ेगा तो पैनिक क्रिएट होगा। मेजर पैनिक ब्रोकर ही क्रिएट करेंगे जब माल फोड़ेंगे, बाकी मार्केट तो कम ही पैनिक करेगा। जो ये आप देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ब्रोकर का माल सेल ऑफ हुआ था, उससे भी हुआ था क्लाइंटों को। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ पर, जब तक 10,140 का लेवल विथ वॉल्यूम नहीं जाता, थोड़ा एक लॉट दो लॉट में ट्रेड करें, ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना लें, और मैक्सिमम कोशिश करें इंट्राडे पोजीशन रहती तो इज़ गुड। हाँ, बट अगर आप कैश में हैं और कैश में कुछ वर्किंग करें, तो कुछ स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट करे जो कि मुझे आने वाले टाइम में काफ़ी बुलिश लगते हैं, चाहे मार्केट गिरेगा लेकिन उन पे शायद इम्पैक्ट ना आए ड्यू टू फंडामेंटल। फंडामेंटली वो स्टॉक्स काफ़ी अपना जो लास्ट उन्होंने 2 से 3 साल में बैलेंस शीट्स पे वर्किंग की है, या जो उनकी सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट मार्जिन CAGR जो उनका बढ़ा है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे फिलहाल। अभी मनापुरम फाइनेंस, ये स्टॉक में काफ़ी हलचल दिख रही है। मल्टी लेवल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है काउंटर,
बट इसने जो लास्ट वीक की क्लोजिंग आई है उसकी एक बुलिश सिंगल के साथ ही, और मेजर चीज आई है उसमें वॉल्यूम, इसमें इसका वॉल्यूम बहुत तगड़े लेवल से आया है वीकली लास्ट वीक में। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखें, 80 के नीचे बहुत रेयर चांसेस है, अगर पैनिक होता है तो, अगर बहुत ज़्यादा पैनिक होगा तो 80 के नीचे जा सकता है स्टॉक, बट अदरवाइज इस स्टॉक में पोजीशन ली जा सकती है 80 के स्टॉप लॉस से। बट अगर एक कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं उसे स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करूँगा, उसे अगर डीप में और मिलता है तो और माल लेने के लिए कहूँगा कि इस काउंटर में आने वाले टाइम में काफ़ी 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 हद तक काफ़ी पोटेंशियल है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। अगर स्टॉक्स होगा तो थोड़ा वीक होगा बट ज़्यादा नहीं होगा, और इसमें रिकवरी बहुत शार्प रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जस्ट लाइक अगर आप देख सकते हैं, ये एक बार 110 से फॉल होकर 58 आया, देन रिकवर हुआ। ये 80 से फॉल होके स्टॉक ने 5 से 10 रुपये का लो लगाया था, देन रिकवरी आई, फिर फॉल आके फिर जब इसने रिकवरी लिया तो एक काफ़ी अच्छी रिकवरी ली है। ये काफ़ी एक पोटेंशियल काउंटर हो सकता है आने वाले टाइम के लिए, इस पे ध्यान रखें। सेकंड, एक रिलायंस कैपिटल, मैं पिछले 2 वीक से रिलायंस कैपिटल को कंटिन्यू इस पे मैं अपने व्यू दे रहा हूँ। इस स्टॉक पे ध्यान रखें, अगर ये स्टॉक ये लेवल एक बार तोड़ देता है और इसमें थोड़ा सा अपसाइड मुझे लग रहा है कि 790 का एसएल तोड़ता है तो 820 और 820 के ऊपर भी जा सकता है। 850 और 890 का लेवल इसमें आने वाले वीक में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 100 रुपये की अपसाइड इसमें दिखती है। ये काउंटर पे ध्यान रखें, ये काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड थर्ड काउंटर इज रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस इंफ्रा काफ़ी कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, इसमें मुझे एक बुलिश कैंडल की रिक्वायरमेंट है जो कि आई थिंक ये क्या 2 दिन में आनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक कंटिन्यू 800 का 420 430 का सपोर्ट लेके अपसाइड ले रहा है। यहाँ पर फिलहाल अगर एक बार स्टॉक्स में मुझे कल मंडे या ट्यूसडे एक बार बुलिश इंगल्फ मिलता है, या एक थोड़ा सा वॉल्यूम मुझे अच्छा मिलता है, ये वॉल्यूम ब्रेक कर देता है, जो लास्ट वॉल्यूम देखे इसमें, जो ये वॉल्यूम यहाँ से हुआ था और ये कंटिन्यू वॉल्यूम ड्राई रहा है, इसमें इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं मिला है, अगर ये मुझे एक वॉल्यूम दे देता, वॉल्यूम के साथ देता है, तो मुझे ये स्टॉक वापस एक इसमें 650-700 रुपये तक का काउंटर में लगता है। अगर ये 650-700 रुपये निकल जाता दोस्तों, तो ये एक अगेन 800, 850, 900 रुपये का लेवल हमें दिख सकता है आने वाले टाइम में। स्टॉक बुलिश, मेरा व्यू इस पर थोड़ा सा बुलिश है, स्टॉप लॉस छोटा है इसका अगर कोई पोजिशनली ट्रेड करता है कैश में, स्पेशली कैश के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीक थोड़ा आप देखें स्टॉक पे वॉच करें, और अभी फ्यूचर करें तो मैं इंट्राडे सजेशन दूंगा। एंड थर्ड वन इज वेरिस, एंड अगेन मेरा पास, और मैं ऑलरेडी काउंटर अपने सजेस्ट कर चुका हूँ। रियलिटी में डीएलएफ एक अच्छा मूव दे सकता है आने वाले 2 दिन में। डीएलएफ, अगर आप लोग देखें डीएलएफ का लास्ट जो कंटिन्यू एक सपोर्ट रहा है, ये इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 170-172 का सपोर्ट ये स्टॉक कंटिन्यू ले रहा है। एक फॉल आया था यहाँ पे 220 से कंटिन्यू, अगर आप 200 रुपये से फॉल लेके इसने 158 का करके, लेकिन देखिए सेकंड डे अगेन वापस ये आ गया, तो इसमें वॉल्यूम कंसर्न बहुत हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है पिछले कई 2-3 हफ्तों से। अगर आप देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यू वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है और अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, तो इसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव देख सकते हैं। ये स्टॉक मेरा कंटिन्यू 170-172, उसे मैं कंटिन्यू सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि 171 पे अगर ये स्टॉक मिलता तो इस बहुत अच्छा काउंटर है, इसमें लिया जा सकती है पोजिशन। डाउन साइड अभी फिलहाल तो ऐसी ज़्यादा नहीं दिख रही इसमें, अगर इन केस होता है तो ये जो लास्ट इसका लो रहा है 158 का, इस लो को आप इस विथ स्टॉप लॉस अगर ट्रेड करें 172-173, ये 187-180 पे भी अच्छा स्टॉक है, या फिर 220-240 का घर दिखता है। अगर एक बार ये ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट, 30 से 40 रुपये का अपसाइड इसमें आने वाले वीक में दिख सकता है, तो इस काउंटर पे और ध्यान रखें। एंड थर्ड वन वेयर इट्स गॉन, एंड डॉक्टर ही तो ऑलरेडी लास्ट थर्सडे को सबको बाय दिया हुआ है, डॉक्टर रेड्डी बुलिश है, कल डॉक्टर रेड्डी पे ध्यान रखें। निफ्टी को कंसर्न लेके रहें, निफ्टी में मैं थोड़ा सा अभी मुझे प्रॉपर एक निफ्टी में मुझे कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी काफ़ी 170 और
10,140 9,700 का लेवल काफ़ी होल्ड कर रही है। एनीवे मोर अपडेट्स मैं अपने और अभी एक दो दिन में कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को लेकर वीडियोस अपलोड करूंगा विद बैलेंस शीट्स। आने वाला फ्यूचर उनका क्या है, उनकी आने वाली सेल्स मुझे कैसी लगती है, वो मैं आपको जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। सो कीप इन टच, सब्सक्राइब करें। कुछ भी अगर आप लोगों को अपने स्टॉक्स के बारे में इंक्वायरी है, कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करें 9967641777, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करके अपने पोर्टफोलियोज के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। इट्स फ्री, बट इफ़ यू वांट वर्किंग इन प्रॉफिट शेयरिंग और मंथली बेसिस, मस्ट मैसेज मी। आई ऑल बी रेडी विथ यू। तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट। जय श्री गणेश।